तो इस तरह का ट्रांजेक्शन वाला वीडियो अभी इंस्टाग्राम में काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप भी कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन वीडियो बना सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। ज़्यादा कुछ आपको एडिटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है। देख सकते हैं मैं काइनमास्टर ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर 9.16 वाला रेशियो ले लेना है। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग आपको कर लेना है। यहाँ पर सेटिंग में जाना है और यहाँ पर एडिटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर जीरो पे आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले लेयर, तो इसको आपको जीरो कर देना है फ़ोटो ड्यूरेशन। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देते हैं और आपको फ़ोटो अभी ऐड कर लेना है। तो आप एक ही बार ऐड कर सकते हैं, आपका अगर कंप्यूटर से करेंगे तो एक ही बार हो जाएगा। तो मैं एक एक करके ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है एक एक करके आपको फ़ोटो को। तो मैं पहले ही एक लेयर बना चुका हूँ, फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। तो वही वाला वीडियो ले लेते हैं, ज़्यादा आपका वक्त बर्बाद नहीं करूँगा। तो वही वाला वीडियो ले लेते हैं। तो देख सकते हैं मैं वो वाला वीडियो ले लिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं सारा फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ। तो इसी तरह का आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। देख सकते हैं एक्सपोर्ट कुछ इस तरह आपको कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको एक लेयर आपको ऐड कर लेना है। फिर से 9 और सेम टू सेम उसी तरह का आपको सेटिंग कर लेना है। सेटिंग में जाना है और वो वाला सेटिंग फुल स्क्रीन कर लेना है। आप चाहें तो इसे जीरो कर सकते हैं, नहीं तो रहने दे, कोई भी चलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी आपको एक और फ़ोटो आपको दूसरा फ़ोटो आपको ले लेना है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो मैं इस वाला वीडियो का सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, देख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर ऑडियो कर लेते हैं और इसे कट कर लेते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, इसका कुछ काम नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना दूर में बीट आ रहा है हम लोग का सॉन्ग, देख सकते हैं यहाँ पर बीट आ रहा है। तो यहाँ इतना दूर में आपको इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आपको क्या करना है, जो एक्सपोर्ट किए उस वाले वीडियो को ले लेते हैं। तो लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो ऐड करने के बाद मेरा सॉन्ग अभी बच रहा है, तो मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ। तो बार बार आपको इसी तरह ऐड कर लेना है, 2-3 बार जितना बार होगा आपका। तो यहाँ पर ऐड कर लेना है और ज़्यादा वाला पार्ट को आपको कट कर देना है, कैंची में जाना है, नहीं तो ऐसे ही कट कर देना है। तो इस तरह आपको कट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले फ़ोटो में आ जाना है और यहाँ पर फिल्टर में जाना है और यहाँ से आपको एक इफ़ेक्ट आपको दे देना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका इफ़ेक्ट नहीं है तो यहाँ से गेट मोड से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन एनिमेशन वाला इफेक्ट दे देना है, ये वाला एनिमेशन दे देना, देख सकते हैं इन एनिमेशन वाला। देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर देना है और इस तरह का हो जाएगा, देख सकते हैं। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। बस आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको एक इफ़ेक्ट आपको दे देना है, ये वाला इफ़ेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसका लेयर भी फुल कर लेते हैं और इसका आपको थोड़ा आपको वेटनेस घटा लेना है इसका। तो मैं इसका थोड़ा घटा लेता हूँ, 40 या 35 के आसपास आपको रख लेना है, 40 रख लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो बन के तैयार हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, तो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं वीडियो बन के तैयार हो चुका है। आप भी कुछ इस तरह क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको एडिट करके बताया, ज़्यादा आपको एडिटिंग नहीं करना पड़ा। इसको अभी इस एक्सपोर्ट कर लेना है, यहाँ से शेयर पे जाना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसी तरह का आप भी क्रिएट करके बना सकते हैं अपना रील्स वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।